हेलो फ्रेंड्स, हनुमान जी का फेस बनाने का जो प्रोसेस है ये बहुत दिन से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो आज बनाएंगे पूरा एकदम डिटेल। आप छोटा सा एकदम एक इंच साइज का फेस कैसे बनाएं पूरा दिखाते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, पहले आपका मूर्ति बनाने का टाइम आपको जो फेस साइज है ये साइज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फेस का साइज कैसा होगा, कितना होगा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। क्राउन हो गया, ये मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर है ये पहले बना लीजिए, उसके बाद उसको कटिंग कर लीजिए, ठीक है ना। तो हेड का साइज हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, अभी उसको हाथ में लेकर आप डिटेलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, पिछले बहुत सारा वीडियो में मैंने दिखाया जो छोटा फेस है ह्यूमन आइडल जो है उसका जो फेस बनाने का जो लाइन है, सेंटर लाइन हो गया, आई लाइन हो गया, लिप का लाइन हो गया, इस टाइप का आप बना लीजिए। क्राउन को एकदम पॉलिश कर लीजिए, डिज़ाइन तो बाद में होते जाएगा। अभी आँखों का जो दोनों साइड डेप्थ बना लीजिए। देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिट्टी लगा रहा हूँ, कहाँ पे मिट्टी ऐड कर रहा हूँ, कहाँ पे मिट्टी उठा रहा हूँ, मतलब डेप्थ बना रहा हूँ, ये ज़्यादा ध्यान देने का बात है, ठीक है ना। देखिए नोज़ में यहाँ पे पतला सा हनुमान जी का फेस आप देखेंगे तो नोज़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इसमें नोज़ में और होठों में एक अलग करेक्टर है। देखिए यहाँ पे होठों में दोनों साइड से एकदम गोलाई एक रिलीफ टाइप का है, तो वहाँ पे मिट्टी आपको ऐड करना पड़ेगा। और नीचे का तरफ पहले आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, इसको पॉलिश कर लीजिए। ये क्राउन का दोनों साइड थोड़ा घुमा दीजिए, मतलब क्राउन अच्छा लगेगा, ये बाद में डिटेलिंग करता हूँ, ठीक है। चलिए इसको हाथ में उठा के आप जो आई है ये जैसा पिछले जो फेस बनाने का वीडियो देखे थे ऐसा सेम प्रोसेस है फेस बनाने का, तो यहाँ पे फेस आप बना लीजिए। देखिए अभी तक मिट्टी कहीं पे ऐड नहीं किया है ना, थोड़ा सा सिर्फ नोज में और लिप्स में, तो आँखों में अभी कोई मिट्टी ऐड नहीं किया। इसको अच्छा से लाइन बना लीजिए, दोनों साइड सेम होना चाहिए, आप उस हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर नोज़ का देखिए एक अलग आइडेंटिटी है, ये आदमी का जैसा फेस में जो नोज़ होता है उस टाइप का नोज़ नहीं है, ये सेंटर लाइन एकदम पतला सा एकदम आगे का तरफ आता है। और लिप जो है ये भी अलग है ना। तो ये जो लाइन है पहले इसको लाइन खींच लीजिए और हल्का सा इसको डिप बनाइए, ठीक है ना। तो ऊपर से इसको पॉलिश कीजिए तो ये सही बन जाएगा। अभी देखिए जो डेप्थ बनाए थे अभी नीचे का तरफ थोड़ा सा आपको मिट्टी ऐड करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। एक्चुअली ये डायमेंशन है, आपको देखना पड़ेगा ये डायमेंशन है, कहाँ पे उभरा हुआ रिलीफ होगा, कहीं पे डेप्थ होगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। लिप्स का हल्का सा फॉर्मेशन दिखाई देता है, थोड़ा सा लिप का साइड में भी लाइन उठा हुआ दिखाई देता है, तो आप जब बड़ा बनाएंगे तो उसमें थोड़ा अलग डिटेल है, लेकिन छोटा में इतना डिटेल करने का कोई ज़रूरी नहीं है, जितना यहाँ पे किया उतना मैक्सिमम है, बाकी कलर में ये हो जाएगा।
आँखों को वहाँ पे देखिए, मैंने ऊपर जो आईलेस है यहाँ पे थोड़ा मिट्टी ऐड कर लिया। फिर नोज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग आइडेंटिटी है, तो ये इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, आई ये ईयर कान बनाना पड़ेगा। तो कान यहाँ पे थोड़ा बड़ा भी रख सकते, थोड़ा छोटा भी रख सकते, ठीक है, दोनों साइज का भी हो सकता है। तो आप आदमी का जैसा होता है उस टाइप का जो आई लाइन है और नोज का लाइन है, दोनों का साइज का मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। सेंटर में ये जो लाइन है इसको कलर भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी लाइन डाल सकते हैं। अभी जो क्राउन है, क्राउन को थोड़ा डेकोरेशन कैसे सिंप्लीफाइड कैसे बना सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ। जैसे पहले प्लेन एक लाइन करके स्मूथ कर लिए थे, अभी सिर्फ इसको टेक्सचर करके अलग 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 टेक्सचर डाल के जस्ट डिज़ाइन रिपीटेशन, ठीक है ना। ये जब आप कलर करेंगे, जब गोल्डन कुछ कलर होगा तो उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसा हाथ में आपका जो भी टूल्स मिलेगा, जो भी सामान मिलेगा, उसी सामान यूज करके आप डिजाइन बना सकते हैं। मैं एक वीडियो में आपको दिखाएंगे जैसा अवेलेबल कुछ सामान घर में, जैसा हर घर में रहता है तो उसी टाइप का सामान लेके आपको कुछ मॉडल बनाएंगे, उसमें डिज़ाइन बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। सिंपल डिज़ाइन यूज करके, ठीक है ना, एकदम मैक्सिमम एसेंस कैसे दिखाई देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेन जो बेसिक फॉर्म है इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसमें आपको एक्सप्रेशन ठीक करना पड़ेगा, तभी आपका मूर्ति अच्छा लगेगा। तो फिर से रिप्लेस कर दीजिए, जैसा ये कार्टिंग एक लाइन में हुआ था, सेम उसी लाइन पे सेम पोजीशन में इसको बिठा दीजिए और अच्छा से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, मेरा अपलोडेड है, पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया बहुत आसान तरीका से। मेरा आर्टिक चैनल पे जाइए और वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ फेस का जो डिटेलिंग है पूरा दिखा दिया। फ्रेंड आप लोग भी बनाइए, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।